अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे रायवंड, जहां पर मौलाना अब्दुल वहाब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। आपको यहां पर आगाह कर रहे हैं, ये मनाजिर आप देख सकते हैं लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर। एक जमे गफीर वहां पर मौजूद था और नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। रायवंड में मौलाना अब्दुल वहाब की नमाज जनाजा रायवंड में अदा कर दी गई है। रायवंड में मौलाना अब्दुल वहाब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। रायवंड में सुबह से ही इंतजाम किए जा रहे थे, जहां पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पूरे पाकिस्तान से शख्सियात ने शिरकत की, जिसमें मजहबी उलमा सियासी अशखास ने शिरकत की है। रायवंड में मौलाना अब्दुल वहाब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। तबलीगी जमात के अमीर हाजी अब्दुल वहाब तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा मगरिब की नमाज के बाद अदा कर दी गई। तबलीगी जमात के अमीर हाजी अब्दुल वहाब गुज़िश्ता कई सालों से अलील थे और गाहे बगाहे उनके मुख्तलिफ ऑपरेशंस होते रहते थे। उनकी उम्र 94 साल थी और वह गुज़िश्ता कई रोज़ से वेंटिलेटर पर थे। अब वो इंतकाल कर गए और उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। आप ये मनाजिर एक जानिब रायवंड से देख सकते हैं, जहाँ पर नमाज जनाजा पढ़ने के बाद लोग जनाजगाह से वापस रवाना हो चुके हैं। दो हिस्सों में इस प्लॉट को तकसीम किया गया था, लाइटिंग का इंतज़ाम किया गया था, जबकि स्पीकर्स भी नस्ब किए गए थे। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे, जबकि इजहार अफसोस करने वालों का भी सिलसिला बंधा रहा। आपको यहाँ पर आगाह कर रहे हैं, रायवंड में मौलाना अब्दुल वहाब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। एक बड़ी तादाद के अंदर लोग इस नमाज जनाजा के अंदर शरीक हुए। इस प्लॉट को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। नमाज जनाजा के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए थे। रायवंड में मौलाना अब्दुल वहाब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। तबलीगी इज्तमागाह दो हिस्सों में तकसीम की गई थी। साउंड सिस्टम और लाइटिंग पोल लगा दिए गए थे, जबकि तबलीगी मरकज़ में तदफीन होगी, कब्र भी तैयार कर ली गई थी। मौलाना नज़र रहमान ने मौलाना अब्दुल वहाब का नमाज जनाजा पढ़ाया। नमाज जनाजा में शिरकत के लिए लोगों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। रायवंड में मौलाना अब्दुल वहाब के नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। तबलीगी इज्तमागाह को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। लाइट सिस्टम और पोल भी लगाए गए थे। इसके साथ साथ तबलीगी मरकज़ में अब से कुछ देर में तदफीन होगी, कब्र भी तैयार कर ली गई थी। रायवंड में मौलाना अब्दुल वहाब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई।